18वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। इसकी मुख्य वजह लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं। 48 साल बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा है। आखिरी बार 1976 में चुनाव हुआ था। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच मंगलवार को आम सहमति नहीं बन सकी और अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार और भाजपा सांसद ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के कोडिकुन्नील सुरेश के साथ होगा। बिरला और सुरेश ने राजग और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के उम्मीदवारों के रूप में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने मंगलवार को बैठक कर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हुई, जिसने पहले कहा था कि उसे भरोसे में लिए बिना कोडिकुन्नील सुरेश का नाम विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई बैठक में राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, शिवसेना के नेता अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सुले, द्रमुक नेता टीआर बालू और कई अन्य दलों के नेता शामिल थे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना था कि परंपरा के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए और यदि सरकार पर सहमति देती है तो वह अध्यक्ष पद के लिए सरकार का समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि गेंद अब सरकार के पाले में है कि वो इस मुद्दे पर आम सहमति बनाए, क्योंकि परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। दूसरी तरफ तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने बयान देकर कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी कि इस पद के लिए इंडिया के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के कोडिकुन्नील सुरेश को उम्मीदवार बनाने पर उनकी पार्टी से सलाह नहीं ली गई। उन्होंने ये भी कहा था कि सुरेश को समर्थन देने को लेकर पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी निर्णय लेंगी। अभिषेक बनर्जी ने कहा था किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया, कोई बातचीत नहीं हुई, दुर्भाग्य से एक तरफा फैसला है। अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है।